नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रभु चलिया छिन्न बिंदु माधव दर्शने लक्ष लक्ष लोक ऐसे प्रभु र मिलने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आ गए हैं। वृंदावन से चलकर पहुंच गए तो और उधर से रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई के साथ आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। वो भी पहुंच गए हैं प्रयागराज। तो चैतन्य महाप्रभु बिंदु माधव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो उनके साथ लाखों लाख लोग चल रहे थे। प्रभु चलिया छिन्न बिंदु माधव दर्शन है लक्ष लक्ष लोक ऐसे प्रभु र मिलन है। ये बिंदु माधव मंदिर त्रिवेणी संगम के ऊपर बना हुआ है। बिंदु माधव बहुत प्रसिद्ध दर्शन है और प्रयाग के यही इष्ट देव हैं, आराध्य हैं। तो प्रभु उनका दर्शन करने के लिए चले तो लक्ष लक्ष लोक आयसे प्रभु र मिलने लाखों लोग आ रहे थे वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, को प्रणाम करने के लिए, दर्शन के लिए। केह कांदे केह हासे केह नाचे गाय कृष्ण कृष्ण बलि के हड़ा गड़ी जाए। केह कांदे कोई रो रहे थे प्रेम में, कोई हंस रहे, कोई हंस रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, कोई के कृष्ण कृष्ण बोल करके गड़ा गड़ी जाए भूमि में लौटने लगते थे। गंगा जमुना प्रयाग नारी डुबाई थे प्रभु डुबाई ला कृष्ण प्रेम बन जाते। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गंगा और जमुना ये मिल करके प्रयाग को डुबा नहीं सके कभी। संगम है लेकिन डुबाए नहीं, पर चैतन्य महाप्रभु को डुबाए। गंगा जमुना प्रयाग नारी डुबाई थे, गंगा और जमुना दोनों मिलकर भी प्रयाग को डुबा नहीं सके कभी, परंतु प्रभु डुबाई ल कृष्ण प्रेम प्रेम बन जाते, प्रेमेर बन जाते। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम की बाढ़ में प्रयाग को डुबा दिए। इसका अर्थ है कि सब लोग कृष्ण प्रेम में विभोर थे। भीड़ देखी दुई भाई रहिला निर्जने प्रभु रा आवेश हैला माधव दर्शन है। तो बहुत भीड़ देख करके श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई अनुपम के साथ एकांत में थे, मिले नहीं। बहुत भीड़ देख करके दोनों भाई सामने नहीं आए। भीड़ देख दुई भाई पहला निर्जन प्रभु का आवेश हैला माधव दर्शन और बिंदु माधव भगवान का दर्शन करके आवेश हो गए। आवेश करने तो अनुसंधान करके बाहर की स्थिति को भूल गए, केवल भगवान के दर्शन में विभोर हो गए। चैतन्य महाप्रभु का यही स्वरूप है, वे कृष्ण के भक्त हैं स्वयं कृष्ण, लेकिन कृष्ण भक्त मैं हूं, कृष्ण का दास हूं, इसी भाव में विभोर रहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। अतः
यदि कभी कभी कोई यह कह दे कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के भक्त हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इसी भाव में विभोर रहते हैं। उनको कभी कोई कह देता था कि आप विष्णु हैं कृष्ण हैं, वे अपने कान बंद कर लेते थे और आत्महत्या के लिए नदी में कूद पड़ते थे, मर जाऊंगा यदि मुझे कुछ कहेगा कि मैं विष्णु हूं। भगवान सिखा रहे थे इस तरह से कि एक भक्त को कभी भी इस प्रकार की सलाघा प्रशंसा स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और खास करके कोई किसी को भगवान कह दे तो इस बात के समालोचना के लिए भगवान लीला कर रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण होते हुए भी कभी नहीं सुनना चाहते, भक्तों में भी अगर कोई कह देता था कि आप साक्षात कृष्ण हैं या कृष्ण के अवतार हैं, इतना तक कह देता था तो वे आश्चर्य हो जाता था, उनके लिए कभी नहीं सुनते थे। तो यहां भगवान का दर्शन करके आवेश हो गया, ऊर्ध बाहु करी बले बल हरि हरि, तो दोनों हाथ ऊंचा करके चैतन्य महापुरुष मंदिर में बोलते थे, बोलो हरि बोल हरि बोल। सब लोग बोल रहे थे, प्रभु र महिमा देखी लोके चमत्कार, प्रयागे मधुरा लीला नारी वर्णिवार, प्रभुरा लीला नारी वर्णिवार। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु की महिमा को देख करके लोग चमत्कृत हो जाते थे, भगवान के प्रति वह प्रेम और सौंदर्य भाव ये सब देख करके लोग चमत्कृत हो जाते थे, आश्चर्यचकित होते थे। प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने जो भी लीला किया है मैं उसका वर्णन करने में असमर्थ हूं, बहुत लीला की है। दक्षिणात्य विप्र समय अच्छे परिचय से विप्र निमंत्री अंडीला निजालय। दर्शन के बाद चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण के घर पर गए, वो दक्षिणात्य ब्राह्मण थे। दक्षिणात्य ब्राह्मण का मतलब है साउथ इंडिया के ब्राह्मण थे, दक्षिण के ब्राह्मण। तो उन्होंने निमंत्रण दिया चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए, गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनके यहां चैतन्य महाप्रभु गए, उल्लेख करके गए। और चैतन्य महाप्रभु भावावेश में थे, कृष्ण के प्रेम में विह्वल, उनको लेकर के गए। सही विप्र निमंत्रिया नील निजालय, विप्र गृह आशी प्रभु निभृत वसीला, श्री रूप वल्लभ जो है आशी अमिलीला। तो उस दक्षिणात्य ब्राह्मण के घर में भगवान गए, तो वहां जाकर के वे एकांत रूम में बैठे। उसी समय श्रील रूप गोस्वामी पाद अपने छोटे भाई के साथ मिले चैतन्य महाप्रभु से। दुई गुच्छ तीर्ण दुहे दशन धरिया, प्रभु देखी दूर पड़े दंडवत भैया। दोनों भाई अत्यंत दैन्य में अपने मुख में घास का गुच्छा लेकर के और दंडवत प्रणाम किए, मुख में घास का गुच्छ लिए थे। इसका अर्थ है कि हम बिल्कुल पशु जैसे हैं, हम पशु जैसे हैं, बिल्कुल अज्ञ पामर नीच, इस भाव को व्यक्त करते हुए यह एक दैन्य का बोधक है, मुख में तीर्ण लेना या तीर्ण समूह लेना। तो दुई गुच्छ तीर्ण दुई दशमे धरिया, अपने दांत में धारण करके मुख में, और प्रभु देखी दूरे पड़े दंडवत भैया, प्रभु को देख करके दोनों भाई दूर से ही दंडवत प्रणाम किए। नाना श्लोक पड़ी उठे पड़े बार बार, प्रभु देखी प्रेमावेश भई लदुहार। वे अनेक प्रकार के श्लोक पढ़ रहे थे चैतन्य महाप्रभु की महिमा के विषय में। रूप गोस्वामी पाद सहज ही एक महाविद्वान पुरुष थे और चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो चुकी थी, तो अनेक श्लोक पढ़ रहे थे और बार बार दंडवत कर रहे थे, फिर उठते थे फिर पढ़ते थे, पढ़े बार बार
प्रभु देखी प्रेमावेश है दुहार, और चैतन्य महाप्रभु को देख करके दोनों में कृष्ण प्रेम का आवेश हो गया। श्री रूप देखिए प्रभु प्रसन्न है लमान, उठ उठ रूप आईसा बलिला वचन। रूप गोस्वामी को देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और तुरंत कहने लगे, उठो उठो रूप आईसा, यहाँ आओ, निकट आओ, दूर क्यों, दूर से क्यों प्रणाम कर रहे हो, आओ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ। कृष्ण र करोड़ा की छोड़ना जाया वर्ण विषय को पहले काढ़िल तुम दुई जाने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण की कृपा का वर्णन करना असंभव है। कृष्ण र करुणा किछु ना जाए वर्णन, कृष्ण कैसे कृपा करते हैं, खास करके तुम दोनों पर की है। विषय कूप है ते काढ़ी लो, विषय के कूप से कुआं से तुमको काढ़ लिए। यहां विषय का अर्थ है राज्य वैभव, यह विषय का अर्थ केवल खाना पीना इंद्रियों के सुख में रहना यह अर्थ नहीं है। यह विषय का अर्थ है राज्य सत्ता धाम। तो कृष्ण ने कृपा करके तुमको निकाल लिया विषय कूप से। जैसे कोई व्यक्ति अंधकूप में गिर गया हो बहुत गहरे कुआं में और कोई दया करके उसको निकाले, तो इस तरह से कृष्ण ने तुमको विषय कूप से निकाल लिया। बहुत अच्छा किया, उतनी ऊंची नौकरी से पद से तुमको मुक्त कर दिया, बहुत अच्छा किया। कृष्ण की कृपा का वर्णन क्या किया जी? मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं, श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं। और यह कह करके ये बोलते हैं, नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयं ततो ग्राह्यं स च पूज्यो यथायहं। भगवान ने कहा है एक बार शास्त्र में कि चतुर्वेदी चारों वेदों का विद्वान कोई है, पर मैं अभक्त, यदि वो मेरा भक्त नहीं है तो मेरा प्रिय नहीं है। मद भक्त स्वपच प्रिय, चंडाल के वंश में भी कोई उत्पन्न हुआ है और यदि वो मेरा भक्त है तो मुझे प्रिय है। तस्मै देयम्, यदि कुछ देना हो किसी को तो उसी को देना चाहिए, ऐस भले वो स्वपच हो कुछ भी हो, लेकिन यदि मेरा भक्त है तो भक्त को ही कुछ देना चाहिए और ततो ग्राह्यम, उसी से कुछ लेना चाहिए। भक्त को खिलाना चाहिए, भक्त के यहाँ खाना चाहिए, और भी यदि कुछ देना है तो भक्त को देना चाहिए और भक्त से भी भक्त से ही लेना चाहिए, मतलब व्यवहार है भक्त से ही रखना चाहिए। सच पूज्य हो जथा ही अहम, वह उतना पूज्य है जितना मैं, भगवान विष्णु ने कहा है ये बात नारद जी से। नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् स च पूज्य जथायः। वैष्णव में जाति आदि का विचार कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक बहुत बड़ा अपराध होता है। ए श्लोक पढ़ी दुहारे कैलया लिंगन कृपा ते दुहार माथा धरिल चरण। यह श्लोक पढ़ करके चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद और अनुपम का आलिंगन किए, बहुत देर तक आलिंगन किए और कृपा करके दोनों के माथे पर अपना चरण कमल रखे। जब दंडवत प्रणाम किए थे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपना चरण रख, भगवान चैतन्य महाप्रभु खड़े थे आलिंगन करने के बाद और दोनों भाई प्रणाम कर रहे थे, बैठे थे, सो रहे थे प्रणाम करने में, तो उनके मस्तक पर भगवान ने अपना चरण रखा, स्वयं रखा। वे प्रार्थना नहीं किए, वे तो ये कह रहे थे कि हे प्रभु हमको छुइए मत, छुइए मत, छुइए मत, बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको हमको छूने में।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक पढ़ करके नमे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मय देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्य जथा यहम यह श्लोक कह करके दोनों का आलिंगन किए और आलिंगन करने के बाद अपना चरण कमल उनके मस्तक पर रखे बारी बारी से। प्रभु कृपा पाया दुहे दुई हाथ जुड़ी दीन है या स्तुति करे विनय या चरी। प्रभु की कृपा को पा करके दोनों धन्य हो गए तो दोनों भाई हाथ जोड़ करके दीन भाव से चैतन्य महाप्रभु से विनय करने लगे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्व से नमः। श्रील रूप गोस्वामी पाद महाविद्वान व्यक्ति थे। उस समय पृथ्वी पर जितने भी विद्वान थे उनमें रूप गोस्वामी पाद का एक अद्भुत स्थान था। रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल समझ गए कि ये श्री कृष्ण है। कुछ भी भक्त की लीला करें लेकिन भक्तों के सामने भगवान अपने को छिपा नहीं सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद जी समझ गए, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते समय उन्होंने एक कहा, यह श्लोक रूप गोस्वामी का ही बनाया हुआ है। तो उसने प्रणाम करते हुए कहते नमो महावदान्याय, हे महादानी आपको नमस्कार है। नमो महावदान्याय, नमः आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप महावदान्य है। चैतन्य महाप्रभु मानो ये कहें कि मैं कंगाल सन्यासी हूं, एक पैसा भी मेरे पास नहीं है और मैं बदान्य भी नहीं, महाबदान्य कैसे हो गया, मैं कैसे दानी हो गया। तो रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि आप सबसे बड़े दानी हैं, सबसे बड़ा रत्न दे रहे हैं। क्या रत्न है आपके पास, वो दे रहे हैं कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण प्रेम रूपी धन को दे रहे हैं। आप इस धन के परम धनी हैं, कृष्ण प्रेम धन को दे रहे हैं, इसलिए आप महावदान्य हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये कह सकते थे कि अरे कृष्ण प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तब रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कृष्णाय, आप कृष्ण ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। मैं पहचान रहा हूं और आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, हे कृष्ण आपको प्रणाम है। कृष्णाय पर कृष्ण चैतन्य नाम ने, परंतु आपका इस बार नाम हुआ है कृष्ण चैतन्य। कृष्ण चैतन्य आपका नाम हुआ है, हे कृष्ण हे महावदान्य मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या पागल जैसा बोल रहे हो, कृष्ण तो सांवले हैं। तो ये कहते हैं कि आप कृष्ण हैं लेकिन गौरत्व से, आपका ट्वीट आपकी जो कांति है वो गौर वर्ण की है, बस इतना ही अंतर है। गोरे बन करके आए हैं लेकिन हैं आप कृष्ण। इस तरह से रूप गोस्वामी पाद जी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। योग्यान मत्तं भुवनं दयालु रुलाघयम्यप्यकरो प्रमत्तं स्वप्रेम संपत् सुधया भूतेहं श्रीकृष्ण चैतन्य मम प्रपद्ये। और कहते हैं जो अज्ञान से प्रमत्त भगवद भक्ति को बिल्कुल विस्मृत, संसार को जीवों को, तो अज्ञान में बिल्कुल प्रमत्त जीवों को जो कृष्ण प्रेम के बाढ़ में प्रमत्त कर दिए। अज्ञान मत्तम भुवनम जनानम दयालु, चैतन्य महाप्रभु दयालु हैं। रूप गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि हे प्रभु आप परम दयावान हैं लेकिन आपने ऐसा काम किया, लोग दुनिया में आप ज्ञान में मत्त थे, डूबे हुए थे, इनको आपने निकाला
लेकिन निकाल करके फिर डुबा दिया, कृष्ण प्रेम के समुद्र में डुबा दिया। तो आखिर तो डुबाए ही रखे, उल्ला भयम आपने उनको निकाला। अज्ञान मत्तम, अज्ञान से मत जन समुदाय को आपने निकाला अज्ञान के समुद्र से, और कृष्ण प्रेम के समुद्र में डुबा दिया। ऐसे परम दयालु स्वप्न में संपत सुधार होते हैं। आप अपने प्रेम सुधा में, कृष्ण प्रेम सुधा से आप्लुत कर दिए जगत को। वैसे भी विभोर थे, अज्ञान में विभोर थे, अब प्रेम में विभोर हो गए। तो इस तरह से एक काव्य के शैली से रूप गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं। उनको अज्ञान के समुद्र से निकाल करके अपने प्रेम सुधा समुद्र में निमज्जित कर दिए। आप परम दयालु हैं, ऐसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की मैं शरण लेता हूं। तबे महाप्रभु तारे निकट बसाईला, सनातन वार्ता कहता रे पूछिला। तब चैतन्य महाप्रभु निकट बैठाए रूप गोस्वामी पाद जी को और कहे, सनातन के विषय में बोलो, क्या हो रहा है उसका, सनातन कहाँ है, क्या कर रहे हैं। रूप कहे तेहो बंदी है राज घरे, तुम्हें जदि उद्धार तबे है वे उद्धारे। रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा कि वो तो कारागृह में है, और यदि आप उनका उद्धार करेंगे, मुक्त करेंगे, तभी वो मुक्त हो सकते हैं। प्रभु कहे सनातन भैया छे मोचान, चैतन्य महाप्रभु ने कहा बिना किसी से सुने, वो छूट गए हैं कारागृह से। और अच्छी रात अमा सह है वे मिलन, और शीघ्र ही मेरे साथ मिलन होगा। इतना स्पष्ट नहीं कहे, लेकिन भाव ये था कि मैं प्रयागराज से जब बनारस पहुंचूंगा तो वहां सनातन से भेंट होगी। वो चल दिए हैं बंगाल से, कारागृह से छूट करके चल दिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी पाद ये नहीं पूछे कि आपको कैसे पता लगा, जो सर्वज्ञ ईश्वर हैं तो उनके साथ खुलम खुला बात हो रही है। जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप कृष्ण हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, गौर त्विश है आपकी, और आपका नाम कृष्ण चैतन्य है, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिकार नहीं किया। रूप गोस्वामी के पाद वे खुल करके रहते थे, ऐसा नहीं था कि छिपा करके रहे, नहीं नहीं मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सनातन छूट गए हैं कारागृह से और वे आ रहे हैं और मेरे साथ शीघ्र ही उनका मिलन होगा, तब रूप गोस्वामी पाद ने कोई प्रश्न नहीं किया। हाँ ठीक है, बहुत प्रसन्न हुए सुनकर। प्रभु कहे सनातन है छे मोचन, अचिरात अमसह है वे मिलन, मध्यान करिते विप्र प्रभु रे कहिला। रूप गोसाई से दिवस कहाँ ही रहिला। तो ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु मध्यान कर लीजिए, मतलब दोपहर का स्नान, संध्या वंदन जो भी नियम था, ब्राह्मण ने कहा क्योंकि प्रसाद तैयार हो रहा था। भट्टाचार्य दुई भाई रे निमंत्रण कैल, प्रभुर शेष प्रसाद पात्र दुई भाई पाइल। तो दोनों भाई वहीं थे, बलभद्र भट्टाचार्य रंधन किए थे और भट्टाचार्य दुई भाई ने निमंत्रण कैल। भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे उनकी सेवा में, तो उन्होंने दोनों भाइयों को कहा कि तुम दोनों प्रसाद यहीं लेना। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद खाए तो वही छोड़ा हुआ प्रसाद डायरेक्ट रूप गोस्वामी पाद को और अनुपम को दिया बलभद्र भट्टाचार्य। त्रिवेणी ऊपर प्रभु बासा घर स्थान, दुई भाई बासा कैल प्रभु सन्निधान। तो त्रिवेणी के पास ही प्रभु का बासा घर था, स्थान था, उसी के निकट ही दोनों भाई अवस्थान किए। शेकाले बल्लभ भट्ट रहे अड़ाई लग्रा में, महाप्रभु आयला सुनी आयला तार पास स्थाने। तो वहां अड़ाइल गांव में, आज भी है वो गांव संगम के उस पार, जमुना के तट पर लगभग,
वहां अड़ैल गांव है, तो श्रीपद वल्लभाचार्य जी वहां रहते थे। वो एक गृहस्थ थे और महान आचार्य परम वैष्णव। तो उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं प्रयाग में, तो महाप्रभु से मिलने के लिए, दर्शन के लिए श्रीपद वल्लभाचार्य आए। तेहो दंडवत कैल प्रभु कैल आलिंगन, दुई जन कृष्ण कथा कैल कत क्षण। तो श्रीपद वल्लभाचार्य जी भगवान चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए, चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और दोनों भक्त कुछ काल बैठ करके कृष्ण कथा करने लगे आपस में। कृष्ण की बात पर कृष्ण कथा है, प्रभु र महाप्रेम उथलीला, भट्टे र संकोचे प्रभु संवरण कैला। कृष्ण कथा सुन करके वल्लभाचार्य जी के मुख से चैतन्य महाप्रभु का महाप्रेम उमड़ गया, बहुत प्रेम उमड़ गया। लेकिन वल्लभाचार्य जी के संकोच से अपने भाव का भी संवरण किए। अंतरे अंतरे गर गर प्रेम न है संवरण, देखी चमत्कार है वल्लभ भट्टेर मन। अंतर में कृष्ण प्रेम छलक रहा था, बाहर संवरण कर लिए। उनकी इस स्थिति को देखकर श्रीपद वल्लभाचार्य का मन आश्चर्यचकित हो गया। तबे भट्ट महाप्रभु ने निमंत्रण कैला, महाप्रभु दो ही भाई तहारे मिलाईला। तब श्रीपद वल्लभाचार्य जी ने निमंत्रण दिया चैतन्य महाप्रभु को। भगवान चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं और श्रीपद वल्लभाचार्य जी गृहस्थ हैं, तो स्वाभाविक उनको भोजन कराने की इच्छा हुई, तो उन्होंने निमंत्रण दिया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो उसी समय दोनों भाइयों को, रूप गोस्वामी और अनुपम को, चैतन्य महाप्रभु मिलाए श्रीपद वल्लभाचार्य से। दुई भाई दूर है ते भूमि ते घूमे ते पड़िया, भट्टे दंडवत कैल अति दीन हया। दोनों भाई देखे कि ये परम शुद्ध महान वैष्णव आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, तो वे छूना नहीं चाहते थे उनको, अपने को इतना पापी समझते थे रूप गोस्वामी पर और अनुपम, जबकि चैतन्य महाप्रभु से खूब मिले थे आत्मीयता से। चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया था, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने मिलाया कि ये दोनों बंगाल से आए हैं, बड़े नीच जाति के हैं, बड़े पापी हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा दोनों को, तो इनको छुइएगा मत, बहुत नीच हैं, ऐसा कहा। तो वल्लभाचार्य जी इतने बुद्धू आदमी नहीं थे, वो समझ गए इनके भाव भंगी को, परीक्षा एक प्रकार की ले रहे थे चैतन्य महाप्रभु। भट्ट मिली बारे जाए तुम्हें पलाए दूरे, अस्पृश्य पामर मुई न छुई हमोरे। उसके बाद वल्लभाचार्य को जब प्रणाम किए तो उनसे मिलने के लिए वल्लभाचार्य जी जा रहे थे, लेकिन वे दोनों भाई दूर भाग रहे थे, दोनों भाग रहे थे, कहते थे अस्पृश पामर मोई ना छुए मोरे, हम अछूत हैं, छूने जोगे नहीं हैं, बहुत पाप किया है हमने, हमारे शरीर में केवल पाप ही पाप है, इसलिए आप मत छुए, नहीं तो आप में भी पाप चला जाएगा। ये कहने का भाव आप हमें मत छुए मत छुए, दोनों भाग रहे थे। भटेरा विस्मय है प्रभु हर्षमान, भट्टेरा कहिला प्रभु तारे तारे विवरण। बहुत विस्मय हो रहा था वल्लभाचार्य जी को, इतना दयनीय है इन भक्तों में, अपने को पापी कह रहे हैं, पामर कह रहे हैं, उनको विस्मय हुआ। पर चैतन्य महाप्रभु को बहुत हर्ष हो रहा था, दोनों भाइयों की दीनता देख करके बहुत आनंद में थे चैतन्य महाप्रभु। तो वल्लभाचार्य जी से कहते हैं, इहा ना छुईहा इहा जाति अतिहीन, वैदिक जागिक तुम कुल न प्रवीण। इन दोनों को मत छुइएगा आप, ये बड़े हीन जाति के हैं, जाति से और कर्म से भी गिरे हुए हैं दोनों, इसलिए इनको मत छुइएगा। और आप तो वेदों के अनुसार चलते हैं, जागिक हैं, कुलीन ब्राह्मण हैं,
इसलिए आपको इनको नहीं छूना चाहिए। श्रीपद वल्लभाचार्य जी समझ गए आंतरिक भाव। दुहार मुख है निरंतर कृष्ण नाम सुने, भटक कहे प्रभु किछु इंगित भंगी जानी। चैतन्य महाप्रभु के भंगी को, संकेत को समझ कर कहने लगे। सुन रहे थे कि दोनों के मुख पर हमेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 ये नाम आ रहा था। वल्लभाचार्य जी समझ गए कि तो महापावन वैष्णव है, इनके मुख पर कृष्ण नाम नाच रहा है, ये पापी कैसे हो सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु इनको कह रहे हैं कि अति हीन है, पामर है, नीच है। दोनों बातों में कोई मेल नहीं है। उन्हें परम विद्वान थे, समझ गए। तब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, दुहार मुख है कृष्ण नाम करी छे नर्तन, यही दुई अधम है हय सर्वोत्तम। दोनों के मुख पर भगवान का नाम निरंतर आ रहा है, ये कभी भी नीच नहीं है, ये अधम नहीं है, ये सबसे उत्तम है, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं रूप गोस्वामी पाद जी के विषय में सबसे श्रेष्ठ है। और यह कहकर उन्होंने भागवत का एक श्लोक पढ़ा, अहो बत स्व पचो तो गरीयान जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्मुरार्जा ब्रह्मानुचर नाम ग्रणंती। श्रीपद वल्लभाचार्य माता देवहूति के द्वारा बोला हुआ यह श्लोक बोले, जिह्वाग्रे तो नाम वर्तते, हे प्रभु भगवान कपिल देव से कहती है, उसी पद को वल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति के जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम विराजता है, कृष्ण गोविंद राम जो भी, वह गरीयान वो स्वपचा यापी, यदि वो कुत्ते का मांस खाने वाले परिवार में जन्म लिया है, इतना नीच है, फिर भी यदि वो उसके जिह्वा पर आपका नाम है तो वह चंडाल ही सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। भोजन के अनुसार नीचता का निरूपण किया जाता है या उच्चता का। जो व्यक्ति मांस खाता है उसमें कुत्ते का मांस खाता है तो बहुत अधम माना जाता है, और गाय का मांस खाने वाला तो आदमी है ही नहीं। वो आदमी का डिवीजन जब किया गया है तब कहा गया सबसे नीच आदमी है जो कुत्ते का मांस खाता है। प्रश्न होगा कि गाय का मांस खाने वाला वो आदमी के कैटेगरी में नहीं है, वो राक्षस है जो गाय का मांस खाता है। इसलिए ये सोच करके ये नहीं सोचना चाहिए कि सुन करके कि हाँ कुत्ते का मांस खाने वाला अधम है और गाय का मांस खाने वाला अधम नहीं, वो तो राक्षस है, वो तो आदमी है ही नहीं। तो जिस स्वपच के चंडाल के जिह्वा पर, जिह्वा के अग्र भाग पर भले मन में चिंतन हो या न हो, जो जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिस चंडाल के जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम रहता है, स गरीया वही श्रेष्ठ है, महान है। और जिस व्यक्ति के जिह्वा पर हमेशा आपका नाम आता रहता है, जिन लोगों के जीव पर, वो तो सब तपस्या कर चुके, जो तेपुस तपस्ते जुहू सारा जग कर चुके, सारे बड़े बड़े जग, अश्वमेध जग, वाजपेयी जग सब कर चुके, और सस्नु सारे तीर्थों में स्नान कर लिए, सारे सदाचार का पालन कर लिए, और वेदों को बार बार वे पढ़ चुके, जिनके जीव पर आपका नाम रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। किसी व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए, महान बनाने के लिए यही उपाय है कि उसकी जीभ पर भगवान का नाम आवे। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि ये क्या है हरे कृष्ण करते रहना, मन कहीं और जा रहा है, मन विषय भोग में लगा है, चाहे विषय चिंतन कर रहा है। लेकिन शास्त्र कहता है
कि भगवान का नाम जिस व्यक्ति के जिह्वा पर आता है वो गरीब अनुश्रेष्ठ है, उसने कोटि कोटि जन्मों में बहुत तप किया है, दान किया है, सब किया, तब नाम आ रहा है, ऐसे नाम नहीं आ सकता है। तो भगवान का नाम जीव पर आते रहना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है, यही पवित्रता है, और वो व्यक्ति महान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीपद वल्लभाचार्य ने कहा कि इनके मुख पर निरंतर कृष्ण नाम आ रहा है तो ये अधम नहीं है, ये सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। सुनी महाप्रभु तारे बहु प्रशंसिला, प्रेमावेष्ट है यह श्लोक पढ़ते लगेला। ये सुन करके, खास करके ये श्लोक को जब कोट किया श्रीपाद वल्लभाचार्य ने, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी बहुत प्रशंसा की, वाह धन्यवाद। जो नाम महिमा का श्लोक बोला वल्लभाचार्य ने, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी प्रशंसा किए, और प्रेमाविष्ट होकर के अनेक श्लोक चैतन्य महाप्रभु पढ़ने लगे। शुचि सद्भक्ति दीप्ताग्नि दग्ध दुर्जाति कल्मषः, स्वपाकोपि बुधै श्लाघ्यो न विदग्ध्योपि नास्तिकः। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उस भक्ति की आग में उसके सारे कलमश जल जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दग्ध दुर्जाति कलमश, हीन जाति में जन्म पाप के कारण होता है, लेकिन वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, नाम लेता है। तो ऐसा स्वपच भी कृष्ण का जो भक्त है वो विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन न विदग्ध्यों पे नास्तिक, वेदों को जानने वाला, वेद शास्त्र को जानने वाला भी यदि नास्तिक है, कृष्ण का भक्त नहीं है, तो वह नीच है, वह शुद्ध नहीं। आपने सुना होगा भारतवर्ष में भी कई ऐसे ग्रुप है जो कहते हम वेद मानते हैं, हम वेद मानते हैं, यज्ञ भी करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भक्ति नहीं करते हैं। एक प्रकार से उनको नास्तिक ही समझना चाहिए। वो वेद मुखे माने, वो मुख से वेद मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी प्रसंग में बताए, केवल ये कहते हैं कि हम वेद मानते हैं, लेकिन वेद मुखे माने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो मुख से वेद मानते हैं। अरे वेद का सार है भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम जपना, तो नाम लेते नहीं हो, नाम जपते नहीं हो, कहते हो कि हम वेद को मानते हैं, ये करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भले वेदज्ञ वेद के कुछ श्लोकों को या उसके पर्पॉइंट को जानता हो, परंतु यदि विष्णु का भक्त नहीं है और भगवान का नाम नहीं ले रहा है तो वह पूज्य नहीं है, विद्वानों के द्वारा प्रशंसनीय नहीं है, अच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः, अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोक रंजनम। भगवत भक्ति हीनस्य, जो व्यक्ति भगवत भक्ति हीन है, भगवान का कभी नाम नहीं लेता है, न प्रणाम करता है, न भगवान का प्रसाद खाता है, भगवान के प्रति सहज भक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति का की जाति व्यर्थ है। भले उच्च जाति में जन्म लिया हो, लेकिन जाति उच्च जाति में जन्म लेना बेकार है। शास्त्र और उसका शास्त्र ज्ञान वह भी व्यर्थ है। भले बहुत बहुत श्लोक जानता है, शास्त्र जानता है, पर उसका शास्त्र जानना व्यर्थ है। जप और वो जप करता है, इसका मतलब है दूसरे मंत्र का, वेदों में अनेक मंत्र है उनका जप करता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता है तो उसका जप बेकार है। तप उस धर्म का पालन करता है, अपने काम धंधा में रहता है और इंद्रियों का संयम किया है, उपवास करता है, तपस्या करता है, उसका वह अभी बेकार है। वह उसी प्रकार से है ये सब जाति शास्त्र जप तप। इसे अप्राणस्य मंडनम, अप्राणस्य व देहस्य मंडनम लोकरंजनम। मान लीजिए
कोई व्यक्ति है वो मर गया है, खासकर मान लो कोई स्त्री है और वो स्त्री मर गई है और मरी हुई स्त्री के शरीर पर कोई अनेक गहना लगा है, कंठ में कान में सब जगह बहुत सुंदर कपड़ा पहनावे, उसको साड़ी बहुत बढ़िया लाकर पहनावे और मरा हुआ देह, तो अप्राणस्य देहस्य मंडनम, ये मरे हुए शरीर का श्रृंगार है वास्तव में। यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो व्यक्ति जीवित नहीं है। जिन्हारी भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान के प्राण सो प्राणी। अगर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं है, नाम जपादि नहीं, तो मरा हुआ है व्यक्ति। और उसकी ऊंची जाति या उसके बड़े बड़े कर्म या उसका धन या उसका शास्त्र ज्ञान या उसका कष्ट सहना, तपस्या करना या विविध मंत्रों का जप आदि सब बेकार है, व्यर्थ। लोक रंजनम, केवल लोक रंजन मात्र है, उसे कोई लाभ नहीं है। जैसे कोई मरी हुई स्त्री का श्रृंगार करे और कोई देख करके कहे आहा कितना अच्छा गहना है, कितना अच्छा, अरे मूर्ख कहेंगे, जब जान ही नहीं है, जब प्राण ही नहीं है तो आप क्या श्रृंगार करना है। तो प्राण है कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति, यह है प्राण किसी भी मनुष्य के जीवन में। अब प्राण है, जीवित है और कुछ नहीं है तो भी अच्छा है ना, जी रहा है, जी रहा है। और ऐसा नहीं है कि जी रहा है तो और स्वस्थ नहीं है, भगवान का नाम ले रहा है तो ये तो प्राण है, जी रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान की कथा सुने, भगवान का प्रसाद आदि खाए, तो इसका मतलब वो स्वस्थ जीवित व्यक्ति है। और बाकी बिल्कुल अच्छा शरीर है, गहना साड़ी सब कुछ है, लेकिन ये कहीं कमी है, प्राण नहीं, तो इसको कौन बुद्धिमान आदमी प्रशंसा करेगा इसकी, बताइए। सब लोग हटाओ हटाओ हटाओ, कोई किसी स्त्री को सजा करके मरी हुई स्त्री को और ले जाए तो कोई दिखने चाहेगा, ए जल्दी ले जाओ स्मशान में ले जाओ, इधर क्यों लाए। बल्कि लोग हटाने के लिए पैसा दे देंगे कि हटाओ हटाओ जल्दी उसको ले जाओ। तो इस प्रकार से जिस व्यक्ति में भगवान की भक्ति नहीं है, नाम उच्चारण नहीं है, तो मरा हुआ है और उसका कोई भी गुण गुण नहीं है, वह गुण है। तो श्रीपाद श्री चैतन्य महाप्रभु फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य से ये बातें कहते हैं, प्रभुर प्रेम आवेश और प्रभाव भक्ति सार, सौंदर्य आदि देखी भटेर हैला चमत्कार। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति और उनका सौंदर्य आदि देख करके वल्लभाचार्य जी को बहुत चमत्कार हुआ, आनंद हो रहा था। सगड़े प्रभुरे भट नौका ते चढ़ाइया, भिक्षा दीते निज घरे चलीला लैया। तो चैतन्य महाप्रभु को उनके दोनों सेवकों के साथ और बलभद्र भट्टाचार्य के साथ नौका पर चढ़ाकर अपने घर ले चले। जो प्रयागराज गए हैं वो जान जाएंगे कि अड़ैल गांव कहाँ है और कैसे जाया जाता है। जाने में इजिएस्ट वे है, इजिएस्ट सबसे सुगम मार्ग है जमुना को पार करना, तो जमुना को पार करने के नौका पर चढ़ा करके चले। जमुना रे जल देखी चिकन चिकन श्यामल, प्रेमावेश महाप्रभु हैला बिहवल। जमुना जल को देख करके जो बहुत चिकना और श्यामल था, सांवला, चैतन्य महाप्रभु प्रेम में बिहवल हो गए जमुना जी को देखकर। हुंकार करी जमुना रे जले दिल झाट, प्रभु देखी सबर मन हैला भय का। चैतन्य महाप्रभु जमुना जी को देख करके नौका से कूद करके जमुना में झाप मैंने कूद गए। भाव ये हुआ कि वृंदावन आ गया, कृष्ण भक्ति का भाव है। जमुना जी को देख करके कृष्ण प्रेम में विभोर हो गया, हा वही जमुना हमारे प्रियतम की प्यारी, जहां जिसके तट पर लीला की, ऐसे बातें याद आने लगी और तुरंत जमुना में कूद पड़े। और इस तरह जमुना में कूदते देख करके प्रेम में विकार हो रहा था, सबको भय हो गया कि ये डूब न जाए, तो सबका भय से कपकपी हो गई, सब लोग कांपने लगे। आस्ते ब्यास्ते सबे धरी प्रभु रे उठाइला,
अस्त व्यस्त होकर जैसे तैसे वो लोग उन चैतन्य महाप्रभु को निकाले उठाए फिर नौका पर चढ़ाए और चढ़ा करके श्रीपद वल्लभाचार्य उनको पकड़े थे। फिर नौका पर ऐसे नृत्य करना तो नौका ऐसे ही पलट सकती थी, नृत्य करना वो निकालने के बाद भी और प्रेम में गदगद थे तो चैतन्य महाप्रभु को वल्लभाचार्य जी जबरदस्ती पकड़ करके और सबको कहे पकड़िए 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 पकड़ करके बैठाए थे। इसको अस्त व्यस्त दशाएं ऐसे जो भींग गया था वस्त्र चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे, विकल थे, अस्त सापीट विकार श्री विग्रह में हो गया था। तो नौकर ऊपरे प्रभु नाचीते लागिला आस्ते व्यस्ते सबे धरी प्रभु रे उठाईला नौका रे ऊपरे प्रभु नाचीते लागिला नौका के ऊपर नाचने लगे तो फिर वो लोग पकड़े। महाप्रभु भरे नौका करे टलमल डूबीते लागिले नौका झलके भरे जल। और ऐसा लगा कि नौका अब डूब जाएगी, पानी आ रहा था हद से नौका के अंदर नृत्य करने से भीतर पानी आ रहा। देशपात्र देखी प्रभु महाप्रभु धैर्य हैला देशपात्र देखी महाप्रभु धैर्य हैला आड़ाइलेर घाटे नौका से उतरिल। यद्यपि भटेर आगे प्रभु धैर्य हैल मन, लेकिन श्रीपद वल्लभाचार्य जी थे बड़े आचार्य गुरु थे तो उनके सामने धैर्य रखे अपने अपने भाव का संवरण किए तो किसी भी तरह से भाव का संवरण हुआ और नौका अड़ैल गांव के निकट जमुना के तट पर लगी वहां उतरे। भय भट्ट संगे रहे मध्यान कराया निज गृह अनिला प्रभु रे संगे तेलैया। भय के कारण वल्लभाचार्य साथ ही रह रहे थे, या भट्ट का बलभद्र भट्टाचार्य दोनों हुआ यहाँ पर साथ ही रहते थे। फिर मध्यान्ह करा करके मध्यान्ह कालीन स्नान वगैरह और अपने घर ले गए, संग संग ले गए। आनंदित हैया भट्ट दिल दिव्यासन आपने करिला प्रभु पाद प्रक्षालन। घर पर ले जाकर के एक दिव्य आसन, यह दिव्य आसन का अर्थ है बहुत सुंदर श्रेष्ठ आसन, कोई स्वर्ग से आया हुआ आसन नहीं था, लेकिन दिव्य आसन बहुत सुंदर आसन पर बैठा है और स्वयं ही पाद प्रक्षालन किए चैतन्य महाप्रभु का। सबन से सही जल मस्तक धरिला और अपने पूरे परिवार के साथ उनके दो पुत्र थे जिसमें विठल गोसाई बहुत बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने ही अष्ट छाप के कवियों को नियुक्त किया भगवान की लीला गाने में। सूरदास जी इनके ही शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र के शिष्य, तो दोनों बच्चे भी वहीं थे जब चैतन्य महाप्रभु गए थे। वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को धोए और अपने पूरे वंश के साथ जल को मस्तक पर लिए, नूतन कौपिन बहिर्वास पर आईला और नया कौपिन दिए थे पहनने के लिए चैतन्य महाप्रभु को और बहिर्वास कपड़ा दिए, तो कपड़ा तो वही जो पहनते थे वही कपड़ा दिए वस्त्र दान दिए सन्यासी को, तो बहिर्वास और कौपिन। और वो बहिर्वास कौपिन तो भींगा हुआ था, जमुना में कूद पड़े थे तो भींगा हुआ था, इसलिए भी नया कौपिन और बहिर्वास दिए। गंध पुष्प धूप दीपे महापूजा कैला, फिर गंध पुष्प धूप दीप से पूजा किए, महापूजा मैंने बहुत विस्तार से पूजा किए। भट्टाचार्य मान्य करी पाक कराईला और भट्टाचार्य मान्य करी चैतन्य महाप्रभु का आदर करके अथवा बलभद्र भट्टाचार्य का आदर करके पाक कराए, भिक्षा कराईला प्रभु रे सस्नेह जतने, रूप गोसाई दो भाई रे कराईला भोजने। बड़े स्नेह से और यत्न से चैतन्य महाप्रभु को भोजन कराए और रूप गोस्वामी पाद और अनुपम दोनों भाई को भी भोजन कराए। भट्टाचार्य श्री रूपे देवाईला अवशेष, तबे से ही प्रसाद कृष्णदास पाईल शेष। श्रील बलभद्र भट्टाचार्य
भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद को रूप गोस्वामी को दिए पाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जब खा लिए तो उस प्रसाद को रूप गोस्वामी को दिया गया, और जो प्रसाद रूप गोस्वामी को मिला था उसी प्रसाद को कृष्णदास पाया। कृष्णदास पाया मतलब मन ही मन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वो प्रसाद मैं पाया। देखिए अकस्मात कृष्णदास शब्द यहां लिख रहे हैं, इसका अर्थ कोई दूसरे नहीं है, अपने को कह रहे हैं। तबे सही प्रसाद कृष्णदास पाइल शेष मतलब रूप गोस्वामी पा जी जब खा लिए तो उसमें तू भी थोड़ा बचा हुआ था वो कृष्णदास खाया। ये अपने को ही कह रहे हैं, वृंदावन में बैठे जब दिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत तो मन में ध्यान कर रहे हैं कि रूप गोस्वामी पाद का प्रसाद मैं खाया बचा हुआ, और कोई दूसरा अर्थ नहीं है वहां। मुखवास दिया प्रभु रे कराई लयन अपने भट्ट करें प्रभु पाद संवाहन। मुखवास दे करके माला पना करके उनको विश्राम कराए बलभद्राचार्य जी, और इसके बाद स्वयं चरण संवाहन करने लगे। प्रभु पठाई लता रे करते भोजन, बार बार चैतन्य महाप्रभु पठाए आप जाइए प्रसाद खाइए खाइए। उसी समय भोजन करी आई लाते हूँ प्रभु चरण, तो भोजन करके बल्भाचार्य जी आ गए चैतन्य महाप्रभु के चरण में। उसी समय उत्तरी बिहार से तिरहुत से एक महाविद्वान आए, कृष्ण के परम भक्त थे महाभागवत, उनका नाम था रघुपति उपाध्याय। वे आए चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। हे न कले आयल रघुपति उपाध्याय तिरहुत पंडित बड़ वैष्णव महाशय। तिरहुत के थे, तिरहुत कहते हैं उत्तर बिहार को जिधर दरभंगा समस्तीपुर से पड़ता है। तिरहुतिया ब्राह्मण पंडित बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। विद्या के उस समय बहुत से केंद्र होते थे जैसे नवद्वीप और मिथिला और उज्जैन अवंतिका, इस तरह से कई स्थान ऐसे बहुत प्रसिद्ध थे जो विद्या के और पंडितों के निवास स्थान माने जाते थे। वाराणसी तो तिरहुत क्षेत्र से मिथिला से ब्राह्मण आए रघुपति उपाध्याय नाम था। उनके विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं बड़ वैष्णव महाशय, महान चित्त था और बड़े वैष्णव थे। वे आए आशीते हो कैल प्रभु चरण बंदन कृष्ण मति रहु बलि प्रभु वचन। आकर के चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण मति रस्तु, कृष्ण में मति रहे। यह सुन करके वो रघुपति उपाध्याय बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। सुनी आनंदित है ल उपाध्याय मने प्रभु तारे कहिले न कह कृष्ण र वर्णन। बहुत आनंदित हुए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा मिलते ही कुछ कृष्ण का वर्णन कीजिए, और कोई समाचार नहीं करना था, कृष्ण का वर्णन कीजिए। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, स्वरचित संस्कृत की कविता में कृष्ण का वर्णन किए। निजकृत कृष्ण लीला श्लोक पढ़िला सुनी महाप्रभु महाप्रेमावेश भइला। एक श्लोक पहले पढ़े अपनी कविता का, उसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु महाप्रेम में फिर आविष्ट हो गए, जैसे पहले हुए तो वैसे फिर आविष्ट हो गए। आंखों से आंसू आना, रोमांच होना, वाणी गदगद हो जाना, नाचने लगना, ये सब प्रेम का विकार होता है। श्रुति म परे स्मृति मितरे भारत मन्ने भजंतु भव भीता अहम ही नंदम वंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। ये श्लोक है रघुपति उपाध्याय ने कहा श्रुति म परे। कुछ लोग वेद पढ़ते हैं उपनिषद पढ़ते हैं और उसके अनुसार साधना करते हैं ध्यान आदि करते हैं, तो कुछ लोग श्रुति के अनुसार चलते हैं स्मृति भी करे, और कुछ स्मृति ग्रंथों के अनुसार सदाचार आदि का धर्म का पालन करते हैं। भारतम मन्ये भजन्त भवभीता,
और कोई कोई लोग भारत और महाभारत पढ़ते हैं और संसार से भयभीत होकर जन्म मरण से उसके अनुसार कुछ साधना करते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, अहम ही नंदम बंदे, मैं तो केवल नंद महाराज की को प्रणाम करता हूं, ये कहीं साधना करता हूं, अहम यह नंदम वंदे, मैं तो नंद महाराज की वंदना करता रहता हूं। क्यों करते हैं? जस्या लिंदे परम ब्रह्म, जिनके आंगन में पर ब्रह्म रहते हैं, जिनके घर में पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तो इसी से कि अब जब नंद बाबा खुश रहेंगे तो कृष्ण मिलेंगे ही। तो दूसरे लोग दूसरा दूसरा साधन करते रहे श्रुति के अनुसार, स्मृति के अनुसार, महाभारत के अनुसार, लेकिन हमारी एकमात्र साधना है नंद महाराज को प्रणाम, क्योंकि उनके अलिंद में, उनके आंगन में, भवन में पर ब्रह्म रहते हैं। यह सुन करके चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर के नाचने लगे, बहुत आनंदित हो गए बिल्कुल ये कविता सुन करके। आगे कह प्रभु वाक्य उपाध्याय कहिला, रघुपति उपाध्याय नमस्कार कहिला। चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे और कहने लगे आगे कही और कही और कही और कही और कविता सुनाई और सुनाई। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर प्रणाम किया, कहने लगे संप्रति कथई तुम्ही से कम प्रति कथई तुम्ही से संप्रति को आ प्रती माया तो गोपति तनया कुंजे गोप वधूति वितम ब्रह्म। कम प्रति कथे तुम्हें से, मैं किससे कहूं, कौन इस बात को मानेगा, कौन विश्वास करेगा, मैं किससे कहूं, कौन ऐसा जानकार व्यक्ति है, अभिज्ञ है, विद्वान है जिसे मैं कहूं। कम प्रति कथे तुम्हें से संप्रति कोवा प्रतीति माया, कौन विश्वास करेगा, भाई क्या कहना चाहते हैं कि कोई विश्वास नहीं करेगा, अरे मैं क्या कहूं, किससे कहूं, कौन मानेगा। गोपति तनया कुंजे, गोपति मतलब भगवान सूर्य, सूर्य की पुत्री जमुना के कुंज में परब्रह्म है, गोप कन्याओं के पीछे लंपट बनकर घूम रहा है, कोई मानेगा। वो ब्रह्म है जिसका वर्णन शास्त्रों में है, वेदों में, श्रुतियों में, वो परब्रह्म है जमुना के किनारे कुंजों में, गोपति तनया कुंजे गोप वधूति वितम ब्रह्म, गोप वधुओं के पीछे पड़ा हुआ है, उनके पीछे पड़ा हुआ है लंपट बनकर, वितम ब्रह्म लंपट बनकर के, स्त्रैण बनकर के उन गोप कुमारियों के पीछे चल रहा है, उनकी चापलूसी कर रहा है, चरण दबा रहा है परब्रह्म, कोई मानेगा, मैं किससे कहूं। ये वाक्य है रघुपति उपाध्याय का। प्रभु कहे कहते हो पढ़े कृष्ण लीला, प्रेमावेश प्रभु देह मन अवलाइला। चैतन्य महापुरुष ये बात सुनकर तो और प्रेम में आविष्ट हो गए, कहे कृष्ण लीला कहिए 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 और आगे कहिए। ये सब वाक्य सुन करके चैतन्य महापुरुष का देह और मन कृष्ण प्रेम में व्याकुल हो रहा था। प्रेम देखे उपाध्याय रहला चमत्कार, मनुष्य न है यह कृष्ण करिला निर्धार। चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम के जो विकार हो रहे थे, रोमांच इतना बड़ा बड़ा और गदगद वाणी, आंखों से ऐसा आंसू निकलता था जैसे पिचकारी जैसा, ये सब देख करके रघुपति उपाध्याय ने विचार किया कि ये मनुष्य नहीं है, निश्चित कृष्ण है। करिला निर्धार, उन्होंने निश्चय कर लिया कि ये साक्षात कृष्ण है, भगवान है, मनुष्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का प्रेम विकार कभी सुने नहीं थे किसी मनुष्य में हो सकता है। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानकाय, स्यामे व परम रूपम कहे उपाध्याय। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि रघुपति उपाध्याय जी, भगवान के बहुत से स्वरूप हैं, जैसे नारायण, नृसिंह, श्री राम या अन्य भी बहुत से रूप हैं, आप किसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। प्रभु कहे उपाध्याय श्रेष्ठ मानक का है, किसको श्रेष्ठ मानते हैं। रघुपति उपाध्याय कहते श्यामे व परम रूपम कहे उपाध्याय, श्याम ही परम रूप है, स्वयं भगवान सबसे श्रेष्ठ रूप, भगवान का वृंदावन बिहारी रूप,
ये मैं मानता हूं। श्याम रूप निवास स्थान श्रेष्ठ मानों का है, और भगवान के धामों में सबसे श्रेष्ठ धाम कौन सा है? भगवान के तो अनंत कोटि धाम है, सबसे श्रेष्ठ धाम आप किसको मानते हैं? पूरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय, सबसे श्रेष्ठ मधुपुरी को मानता है। मधुपुरी से तात्पर्य संपूर्ण मथुरा मंडल, ब्रजमंडल, वही सबसे श्रेष्ठ धाम। वास्तव में वृंदावन जैसा धाम कोई नहीं है, ब्रज धाम जैसा। और जो भी धाम है ठीक है, लेकिन वहां भी भगवान लीला करते हैं सब कुछ, परंतु सब प्रकार से सर्वश्रेष्ठ जो धाम है वो ब्रज धाम है। पूरी मधुपुरी बरा कहे उपाध्याय, मधुपुरी ही सबसे श्रेष्ठ। बाल्य पौगंड कौशल श्रेष्ठ, कैश्वर्य श्रेष्ठ मान्यता है। अच्छा, उसमें भी श्याम सुंदर के बाल्य पौगंड और कैशोर में किसको सबसे अच्छा मानते हैं आप? तो वे कहे वय कैशोर कम ध्येयम कहे उपाध्याय। वास्तव में किशोर रूप जो भगवान का श्याम का है वही सबसे श्रेष्ठ है, वही ध्येय है, उसी का ध्यान करना चाहिए। चिंतन या वर्णन गान वय कैशोर कम ध्येय, किशोर अवस्था ही सबसे ध्येय है। रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानक का है, रसों में भी आप सबसे श्रेष्ठ रस क्या मानते हैं? तो उज्ज्वल रस को, श्रृंगार रस को आद्य रस माना गया है सबसे श्रेष्ठ। तो वो कहते हैं रसगण मध्य तुम्हें श्रेष्ठ मानक का है, आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय। उपाध्याय जी ने कहा कि आद्य रस ही सबसे श्रेष्ठ रस। भगवान कृष्ण के प्रति और कई रस हैं, कई भाव हैं, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है, दास्य भाव है, कई प्रकार के भाव हैं, लेकिन जो ब्रज गोपियों का कांता भाव है उज्ज्वल रस, वही सबसे श्रेष्ठ है। उपाध्याय जी ने कहा आद्य एव परो रस कहे उपाध्याय, प्रभु कहे भाल तत्व सिखाई ला मोरे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे भाग्य से आप मेरे पास आए, और मेरा बहुत बड़ा भाग्य था कि आपने हमको ये सब सिखाया और शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु की यही स्टाइल थी, राय रामानंद के मुख से वो स्वयं बोल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शिष्य बन करके वे सीख रहे हो। तो रघुपति उपाध्याय के मुख से भी चैतन्य महाप्रभु ही बोल रहे थे, पर कहते हैं कि प्रभु कहे भाल तत्व सिखाई लमोरे, बहुत अच्छा तत्व हमको सिखाए। यही बोलिए श्लोक पढ़े गदगद स्वर, स्वयं ही श्लोक पढ़ने लगे चैतन्य महाप्रभु। श्यामे वा परम रूपम पुरी मधुपुरी वरा, वय कैशोर कम ध्येयम आद्य एव परो रस। प्रेमावेश प्रभु तारे कैलय आलिंगन, प्रेम मत हैयाते हो कई करे नर्तन। इस प्रकार रघुपति उपाध्याय का वे आलिंगन के चैतन्य महाप्रभु प्रेमावेश में, तो वे भी प्रेमावेश में होकर के नृत्य करने लगे, नाचने लगे रघुपति उपाध्याय। इस प्रकार देखी वल्लभ भट्ट मने चमत्कार हैला, दुई पुत्र आनी प्रभु रे चरणे पड़ीला। तो वल्लभाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हुए प्रेम विकार देख करके, तो अपने दोनों पुत्रों को लाकर चैतन्य महाप्रभु के चरण में डाले। तो ये पुत्र भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श किए हैं, उनकी कृपा पाए। प्रभु देखी बारे ग्रामे सब लोग आई, अला प्रभु दर्शन सब कृष्ण भक्त है। तो प्रभु का प्रभाव देखकर सब दर्शन करने के लिए आए, सुन करके आए, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके सब कृष्ण भक्त हो गए। इस प्रकार की लीला है चैतन्य महाप्रभु की। अब कल वर्णन किया जाएगा कि रूप गोस्वामी पाद को जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया, जिसको गौड़ी वैष्णव समाज में रूप शिक्षा के नाम से जाना जाता है, इस अध्याय में रूप गोस्वामी को शिक्षा दिए, और इसके बाद 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी को बनारस में।